हालांकि कर रहे देखो बहुत एंटोनिम्स दिए है ना, दिए है और देंगे एक दो क्लास और दे देते हैं। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, हालांकि करो एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब तुमको उल्टा लिखना है। अच्छा है तो बुरा हो जाएगा, सीधा है तो, और देखो सीधा है तो क्या हो जाएगा। अच्छा इसका भी एंटोनिम हो सकता है, इन्हें किसी का पूछ ले और तुम बवा रहे नीचे, ठीक से ना, तुम हो सकता है यही का पूछ ले। उल्टा है तो सीधा, सीधा है तो असुतल है तो जागल, जागल है का? अब बताओ भूखल है तो चापल होगा, दिखता है भूखे तो पेट भरा है ना, होगा तो चापल ना होता है तो ठीक से वो दे सकता है तो उतना तो वो दे पूछेगा। वो हिंदी वाला था, हिंदी वाला पूछेगा, इंग्लिश वाला देखो तो अराइव। अच्छा इसका हिंदी नहीं पूछेगा तुम क्या होता है, इसका ऐसा नहीं कि इसका हिंदी ही पूछेगा, हिंदी ना, बस जैसे अराइव पूछेगा चार गो ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से वो लीव या वो डिपार्ट लिखा रहेगा और बाकी तीन को गलती रहेगा। अच्छा एक चीज जैसा एंटोनोम सिनोनोम पे गलती होते रहता है, पूछेगा एंटोनोम तो तुम खोजते रहेगा सिनोनोम्स, मतलब दोनों रहता है ना क्वेश्चन। एंटोनोम मतलब हो गया उल्टा, सिनोनोम्स का मतलब उसी की तरह सेम जैसा, जैसे गुड हो गया तो गुड का बेटर भी तो होता है, बेस्ट भी तो होता है, तीनों तो एक ही चीज है ना भाई, तीनों का अच्छे होता है, दो सिनोनोम्स हो गया जो आगे पढ़ाएंगे तो ठीक से इन्हें की उसमें खोज लेना। तो तुमको इसका क्या करेगा, अराइव का सिनोनिम से दाग देगा तुमको, अराइव जैसे रिच, रिच का मतलब पहुंचना, अराइव का मतलब भी पहुंचना, तो रिच देगा तुमसे हाँ हाँ अराइव पहुंचना रिच में पहुंचना, हाँ ठीक तो है। पर ऊपर देख लेना भाई, एंटोनिम मांग रहा है कि सिनोनिम सब बनाना, तो अराइव का क्या हो जाएगा लीव। अच्छा एक का दुदू हो सकता है, तीन भी हो सकता है, होता है ना, अभी हम दुदू को लिख दिए जिसका एगो लिख दिया, और हो सकता निकालेंगे तो निकलेगा, कहीं निकलेगा उतना ना निकालना है। तो बता अराइव का क्या होगा, या तो लीव होगा या तो डिपार्ट, देखना ऑप्शन में क्या दिया, ब्लेसिंग आशीर्वाद देना होता है इसे, तो ब्लेसिंग का मतलब क्या हो जाएगा, कर्स, कोर्स नहीं कोर्स करेगा ये तो क्रैशो कोर्स लगा देगा, इंग्लिश का क्या होगा क्रैश कोर्स, हाँ हाँ बद्दुआ देते हैं ना, बद्दुआ देते या गालियां दे देते हैं, अब्यूज भी हो सकता है, ब्राइड भी दुल्हा दुल्हन है दुल्हन, गुरु मिस क्या हो जाएगा दुल्हा, हाँ ब्राइड गुरु मतलब भी दुल्हा, तो गुरु बोलो या ब्राइड गुरु बोलो, तो उल्टा बोलती हम नहीं ठीक है, हाँ तो गुरु बोलो या ब्राइड गुरु बोलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रे लिखा है ना, अरे होता है ब्राइड गुरु होता है, लेकिन शॉर्टकट में इसको गुरु भी बोलते हैं हम, नहीं जोड़ दिया तो सोता की दुनू दुल्हा दुल्हन, ब्राइड का ही एंटोनोम होता है ब्राइड ग्रूम, देख रहा है आजा जरूरी का सब कुछ समझना ही है, एक दो डाउट रहना चाहिए, सब समझ आया तो पढ़ाने लग जाएगा कल होकर के, अरे हमने कोचिंग वालों कोचिंग खोलेगा ही असल बच्चे कम होती आ रहे हैं, हम तो भागी जाएंगे वहां से फिर, नहीं नहीं कहीं डाउट रखो बगले में खुल लेने लगा, नजर रखना अगर हल्को फुल्का लगे कि बैनर बनाया है बेंच टेंच बनवा रहा है तो मुझे आना खुले वाला है, ये पकड़ के ले गया ना मेरे पास इलाज कर देंगे। अब बताओ अराइव का मतलब हो जाएगा लीव, ब्लेसिंग का हो जाएगा कर्स, ब्राइट का हो जाएगा ब्राइट ग्रूम बोलो या ग्रूम बोलो, कनकॉर्ड का हो जाएगा डिस्कॉर्ड या कंटेंट बोल सकते हैं, कन्वेक्स का कनकेव या कनकेव का उल्टा भी होगा ना भाई, कनवेक्स का कनकेव बोलो, हाँ उत्तल अवतल है, कनवेक्स का कनकेव बोलो, कनकेव का क्या हो जाएगा पराग उत्तल लेंस अवतल लेंस मैट्रिक में, लेकिन इंटर में पड़ेगा साइंस में कनकेव और कनवेक्स, और मैट्रिक में पड़ेगा उत्तल अवतल, ये कनकेव और कनवेक्स पढ़ाते हैं इंटर में तो नहीं समझ में आता रहता है ये कथी है, जब उत्तल ओ चिन्ह जी हम तो दसवां वाला है ऐसा लगता है ना, होते रहता है बस इंग्लिश का रहता है। डिपॉजिट का विड्रॉल हो जाएगा बैंक में तो जाता ही है, अभी तो मुझे करता तुम लोग डेबिट रोज तो डेबिट क्रेडिट करते ही होगा भाई, इन्होंने मुझे का आ जाओ एक वो तो पूछेगा तो बन ही जाएगा, हाँ गलती लिख जाएगा हम, हाँ डिपॉजिट ठीक है। डायनेमिक का स्टैटिक हो जाएगा या फिक्स कर दो, फॉल्स का क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा जेन्युइन कर सकते हैं, फ्री का क्या हो जाएगा स्वतंत्र होता है, तो स्लेव मतलब गुलाम होता है वो आजाद है, तो पहले भारत क्या गुलाम था ना, तो स्लेव बोल सकते हैं बॉन्डेज बोल सकते हैं, इनहेल का बोलो
ब्रेथ आउट बोलो या एक्जेल बोलो, जस्टिस का क्या हो जाएगा, इनजस्टिस, कुछ तो कुछ ऐसा होगा जो तुमको याद ही होगा, या बोले थे ना कुछ इन लगा के बन जाता है, कुछ इन लगा के, कुछ डिस लगा करके, कुछ टाटा इसका लगा करके, डिस लगा के बनेगा तो टाटा इसका लगा के नहीं बनेगा। हाँ ठीक से, तो डिस से बनेगा टाटा इसका ऐसे नहीं बनेगा। लिटरेट का इलिटरेट हो जाएगा, कुछ आई लगा के ही बन जाता है, जो लिटरेट है ना तो आई लगा दिए लेकिन एल रिपीट हो जाता है, अनलगा की बनता है, डिस से, इन से, अन से, सटिस्फाइड, अनसटिस्फाइड, देखा। तो कुछ देखो, कुछ उस भी है, अगर उस सब कहीं मनी याद है, हाँ याद है तो थोड़ा सा तुक्का लगाने में काम देगा। मैस्कुलिन का फैमिलीन हो जाएगा, जेंडर में पढ़ा होगा, मैस्कुलिन फैमिलिन। ऑर्डिनरी का स्पेशल हो जाएगा, साधारण है, ऑर्डिनरी का साधारण होता है, तो कोई स्पेस खास ही ना हो जाएगा। पॉइजन का एंटीडोट भी हो सकता है, जैसे कोई जहर है तो मतलब एंटीडोट खोजो। उसके बाद क्वालिफाई था, डिसक्वालीफाई, डिस लगा के दिखा दिए, वो सटिस्फाइड का भी दिखा देते हैं, अगर सटिस्फाई है तो अन लगा के बनेगा ना भाई, हाँ वो तो पढ़ा लो, अनला तो पढ़ा दिए, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब वो तो कल दिए थे कि परसों। टाई का अनटाई यहाँ भी तो है, अनलगा करके फैमिली का अनफैमिली लो ना, अनला कितना है। करेक्ट का इनकरेक्ट, इन लगा के ही बनता है, इन दे दिए, दिस दे दिए, अन दे दिए, और कौन इसमें किया बोलना। चलो करेक्ट का इनकरेक्ट, एग्री का डिसएग्री, शार्प का ब्लंट, और कुछ चेंजे हो जाता है भाई, इसने सब में घुसा ना, शार्प का डिसार्प, अनशार्प, इनशार्प, बच्चा का आदत है, एक बार जो बता दिया उस सब में डिसे घुस जाता रहता है, अब शार्प का डिसार्प करेगा सांपवा के काट लेगा तुमको। हाँ कुछ इसको सांपे पढ़िए देगा, हाँ आर पढ़ना है, आर को छोड़ना नहीं है। शार्प मतलब क्या होता है, तेज धार, शार्प का मतलब धार, नहीं बहुत धार है, ब्लेड देखेगा कुछ देखे ना, बहुत धार है, आधार नहीं जाएगा, भूत है, कटवो नहीं करता है, भूत 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 नहीं रे, भूत भूत, हाँ तू भी तो भूत है, गधा का ही का आ जाओ। इसके बाद एंशियंट मतलब पुराना, प्राचीन, तो मॉडर्न हो जाएगा। हिस्ट्री भी पढ़ते हम लोग, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट पढ़े मतलब प्राचीन पुराना वाला पात्र पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे तो बाद वाला पढ़ेंगे, गांधी जी वाला इसमें पढ़ेंगे, चंद्र मौर्य वाला इसमें पढ़ेंगे, गांधी जी इसमें, एंशियंट मतलब प्राचीन, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, तो वो एंशियंट है कि एंशियंट है ना। गांधी जी ने 50 साल, अंग्रेज को गए ज्यादा दिन थोड़े हुआ है, 1947 में गया, अभी कितना है 2022 है, तो 70 साल हुआ, कितना जोड़ रहा है, मान लो 75 अभी 70 75 साल हुआ है, मतलब 75 साल पहले अंग्रेज गुजरता था यहाँ से, बगले से क्या दिन माथे पढ़ाने के लिए, तो वास्को डी गामा बाहर में खड़ा रहता, क्या सर ठीक है, हाँ आप जाइए अपना काम की ना मर दे, तो अपना चल जाता था। इस जन्म बात पिछले जन्म बात करे, गधा है तुम्हारा, तो दूसरा प्रजाति हो गए, हाँ बुरा सा पता होगा, जिसका मान लो कि जन्म हुआ होगा 40 हाँ 40 नहीं साल पहले 30 के, उसका ज्ञान होगा, जो 1930 में जिनका जन्म हो गया 1930 के आसपास में, तो वो आजादी के समय कितना साल के होंगे, 27 साल के होंगे, 35 में हुआ तो 20 साल के होंगे, तो 20 साल का तो ज्ञान हो, मर भी गए होंगे, तो उनको ज्ञान तो कम होगा ना, एक दो बच्चा रहता है 100 साल वाले बूढ़े वाले से, है ना, तो उनको तो उस समय का तो आंख से देखे रहते ना वो, उन्हीं को अरे तो उनको नहीं मिलते रहता पेंशन, मिलता स्वतंत्रता सेनानी वाला पेंशन जो मिलते रहता है, आजादी में भाग लिए थे हम, पैसा मिलता है उनको, स्वतंत्रता सेनानी आजादी में भाग लिए थे, तो उनको तो आंख से देखे होंगे वो सब, तुम रहता था तुम भी देखता कैसे अंग्रेज ततारता था, वास्को डी गामा भेटो किया होगा क्या कोई, हाँ क्या जी, हाँ अभी तो मरिए जाता था, अभी तो लाठी की जाता क्या थी, मैंने कहा है हाँ तुम देखो ना अभी लाठी चलते आंख में क्या कहेगा, कर पोता छे बेटा नहीं कहेगा, देख लेते उसे देखना, हाँ जो एजेंट होंगे वो बेटा नहीं कहेंगे, कैकर पोता छे, पापा को नहीं चिंता होगा, तुमने दादा को चिंता है ज्यादा ना, इसलिए बोले कैकर पोता छे, चले ना, हाँ क्या मुकेश बता किनके पोता है तुम, फिर देखो इसका देख रहा है इसके, ये इसका ना आ नहीं छूट रहा है,
देखो इसका ना आने छू, हम कह रहे ना एक घर में ना, हम कह रहे ना पापा के एक और बोलता है ए, पानी समझाए ना, बोले गए मेरे पापा का नाम आ जाओ कहाँ पहुंचा तेरे बुलाओ दिया हमको एंसेंट ना समझ में आया, बहुत पुराना होगा तो उसको क्या बोलते थे एंसेंट, और नया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बुन का मतलब था शराब देना आशीर्वाद, आशीर्वाद बुन का मतलब क्या हो जाएगा आशीर्वाद का क्या हो जाएगा बद्दुए ना होगा, कोई तुमको दुआ दे रहा है तो एक तरह बद्दुआ देने के लिए तैयार रहता है ना, तो बद्दुआ फेलियर को जाएगा सक्सेस, कोई फेल किया था सक्सेस करेगा, और सक्सेस का क्या हो जाएगा, अभी कहने का ना सर आप फेलियर का सक्सेस बता दे, सक्सेस का फेलियर थोड़े बताए थे हमको, दोनों पूछ सकते ना भाई, जैसे पूछे अब सक्सेस का पूछे तो क्या हो जाएगा फेलियर, अब फेलियर का पूछे तो क्या हो जाएगा, अब क्या आप गुड का बैड बताए थे, बैड का गुड नहीं बताया बने में नहीं किया, अब बने में नहीं किया था हमको भाई वो चीज बताने की जरूरत नहीं है, गुड का अगर बैड होता बैड का क्या हो जाएगा, अच्छा का बुरा है तो बुरा क्या हो जाएगा, जब अच्छा का बुरा बताते बुरा का अच्छा नहीं बोले तो ये होता है, जब तक आप नहीं कहेगा होता है तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ध्यान रखना। पैट्रियट का हो जाएगा ट्रेटर, पैट्रियट देशभक्त, तो देशभक्त है तो क्या हो जाएगा गद्दारी ना हो जाएगा ट्रेटर। उसके बाद पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, यूनिटी का सेपरेट हो जाएगा एकता, एकता नहीं तो एकता है तो यूनिटी, एकता नहीं है तो अलग अलग हो जाता ना सेपरेट। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बताना पड़ेगा, एक्टिव का पैसिव बताना पड़ेगा, कल में दिमाग से बनाना। एबल का अनेबल, अल्लाह के बन जाता है और ठीक है, सेटिस्फाई का अनसेटिस्फाई, और गुड का बैड बताना है, बताना है तो रहो याद रहेगा इसको एक बार पूछे और देख के बताएगा। अराइव का क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग का, ब्राइट का, कनकट का, कन्वेक्स का, डिपॉजिट का, डायनेमिक का, फॉल्स का, फ्री का, इनहेल का, जस्टिस का, लिटरेट का, मैस्कुलिन का, ऑर्डिनरी का, पॉइजन का, हाँ क्वालिफाई का, टाई का, फैमिलियर, करेक्ट, एग्री, सर्फ, सौरभ नहीं कहा था ना कोई, हाँ एंशियंट, बून, फैल्यूर, पैट्रियोट, हाँ पॉजिटिव, नेगेटिव, और कौन होता है, हाँ यूनिटी, डायरेक्ट, एबल, गुड, सेटिस्फाई, बुकले, वैसे बुकले का क्या होगा फिट भर ले, जाएगा फिट भर ले आराम से हो जाएगा, छाप दिया है एंटोनम, दो क्लास और दिए थे मोटा दे दिए होंगे 100 के आसपास, नहीं हो गया होगा तो काफी है, तो एक मन कहे एक दो क्लास और दे देंगे, नहीं तो सीधे आप क्या देंगे सिनोनिम्स दे देंगे, ठीक है ना, बस तुम उसको क्या करेगा एक दो बार पढ़ लेगा, देखो रटना नहीं है भाई, बस एक दो बार देखेगा ना, मन में सोचेगा कि सर हाँ अराइव का बताए थे तो क्या बताए, तो सोचेगा ना तो याद हो जाता है, याद करने से याद नहीं होता है, जैसे बैठे ना, हाँ सोचने से याद, कोई चीज याद करना है ना तो सोचो कि गुड का क्या होगा बैड होगा, नहीं है तो कहीं से देख लो तो कंफर्म हो गया ना, तो ऐसे ही याद होता है, हम तो ऐसे ही करते हैं। अब जैसे कोई कुछ भी याद करना किसी भी सब्जेक्ट में, अब तुमको याद करने का अनुच्छेद 19 में क्या है तो सोचो, सोचेगा तो हो जाएगा, तो इंग्लिश में वैसे ही होता है, कर लेगा ना याद करके आएगा, जितना लिखा दिया है टोटल 100 के पास होगा, उस सबको अच्छे से लिख करके एक पीडीएफ बना के भेज देगा, आज बोला सब मैंने पूरा पूरा को एक जगह अच्छे से करके उसको पीडीएफ बना ग्रुप में डाल देगा, जो क्लास नहीं किया होगा उसको मिल जाएगा ना, ठीक है।